दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। आज हम आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो कोर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। बिलीव मानिए आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा क्लास एग्जाम जाने वाला, अगर इस क्लास को देख लीजिएगा ठीक है। बहुत रिसर्च करके क्लास लाया गया, लेट है एकदम दुरुस्त है ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा और इस क्लास को पूरी तरह से अच्छा से देख के जाइएगा। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरस्तु को, इनको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक समाजशास्त्र का एक शाखा है तो वो है समाजशास्त्र, किसका है, समाजशास्त्र का एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शक्ति समाज में सर्व विद्वान होती है, तो किसमें होती है, किसका विचार है, तो माइकल फोकॉल्ट का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल है, तो कौन कौन सा है, अगर शामिल है ये पूछेगा तो ये, अगर ये सब नहीं रहेगा तो अशामिल समझ सकते हैं, जैसे कि जनसंचार, परिवार, शिक्षा संस्था, अगर ये नहीं रहेगा तो ना शामिल में आएगा तो मान लीजिएगा शामिल में आएगा तो ये समय पॉइंट में। कौन सा सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत राजनीतिक समाजीकरण की विचारधारा में अभिन्न संबंध होने पर बल देता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति के कार्य में अनुमोदन किसे कहा जाता है, तो आमंड को, किसको कहता है, आमंड को ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पॉलिटिक कल्चर और पॉलिटिक डेवलपमेंट किसकी रचना है, तो लुई पाई एवं सिडनी वर्सा, जल्दी जल्दी बता रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम है और बहुत रिसर्च करके यह क्लास लाएगा, पूरा देख के जाइएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि समाजशास्त्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, तो 1938 में किया गया था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के लेखक कौन है, तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिक गणतंत्रवाद का विलोम क्या है, तो राजनीतिक निजीवाद ठीक है, ये याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट, तो भर्ती का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा का आयोग के द्वारा भर्ती, आप लोगों को बता दें, इतना सारा पढ़ के जाइए, बिलीव मानिए आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। और आप लोग याद रखिएगा पोलिटी इकोनॉमिक्स का भी आप लोगों को देंगे, जेनरिक का और हिंदी का भी देंगे, जैसे मन तैसे नहीं, एकदम रिसर्च करके एकदम टाइम लेकर वीडियो बना के देंगे ठीक है। और यही सब सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत रिसर्च करके लाया गया ठीक है, इतना ही पढ़ के जाइए, फिर मिलने क्लास में तब मिलेंगे।